सर्वप्रकार भाइयों नमस्कार। जो मौसम के मार से कई बार चांदी का सामान अपना काला पीला हो जाता है, उसको सिल्वर वाइब्रेटर से कैसे साफ किया जाता है, जो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे ये सामान है, ये देखो काला पीला, ये देखो कैसे इसका रंग हो गया है बिल्कुल। ये देखो, आपको कोई वाइब्रेटर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी शॉप के लिए आप बहुत बढ़िया साफ कर लोगे, उसका तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे ये है सामान, ये देखो इसको, इसमें ये देखो, बस ये किया देखो, बिल्कुल नए जैसा हो गया। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक का ब्रश बस, हाँ बस ऐसे रगड़ना है, जिससे इसकी केमिकल की चिकनाई खत्म हो गई कि वापस माल खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद इसको कपड़े से साफ करना है, कपड़े से साफ करना है इसको। और जल्दी, और उसके बाद ड्रायर से, ड्रायर यहां भी मिल जाता है मोबाइलों की दुकान पे, जैसे मोबाइल रेगुलेशन करते हैं, साफ किया रखा हमने। ये देखो कितना अच्छा साफ हो गया है, बिल्कुल वाइटनेस, चमक फुल आई है इसमें। तो अब आपको हम ये देखो, ये बिल्कुल काला है। ठीक है ना, ये देखो आप बिल्कुल सही हो रहा है बिल्कुल। ये देखो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है इसको। उसके बाद ये पानी से अच्छी तरह देखो, हाँ जल्दी टूटी टाइम बहुत लगता है। ये उसके बाद कपड़े से अच्छी तरह पहुंचना है, अच्छी तरह पहुंचे। और ये देखो ड्राइव से इसको सुखाना है कि चांदी का सामान गीला रहने पे काला पीला हो जाता है, बिल्कुल चमक आ गई है, कितना काला था ये। ठीक है, अब आपको ये देखो, ये नारियल है कितना खराब हुआ पड़ा है, ये देखो डुबोने से, उसमें ड्रिप करने से देखो कैसे ये साफ होगा, ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसमें करने के बाद पानी से, पानी से देखो, हाँ उसके बाद थोड़ा केमिकल उतारने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करो, केमिकल का असर ना रहे। उसके बाद कपड़े से साफ करो, तो उसके बाद ये ड्रायर से, कि बाद में ये काला ना हो। अब ये देखो, ये देखो दोनों में इतना फर्क, वो बिल्कुल नया हो गया है और ये पुराना का फोन नहीं करा है। ठीक है, बिल्कुल नया है और ये देखो बिल्कुल काला हो गया। ये देखो एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है, उसको ऐसे करना है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे पुरानी पाइप ने या कैसे साफ की जाती है। ठीक है, वही पोजीशन वापस, ये देखो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कोई जादू कर रहा हो। ये सबसे बढ़िया तरीका है साफ करने का, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई इतनी भागा दौड़ी है। अब ये देखो पुरानी पायल है ये, और इसको जैसे ये साफ पायल है इसकी तरह ही इसको कर देंगे हम, लेकिन पुरानी पायल को कम से कम 4-5 मिनट छोड़नी पड़ेगी।
उसमें 4-5 मिनट छोड़ने के बाद ये वाइट हो जाएगी। उसके बाद पित्तों के गुस्से साफ करना है, ठीक है। इसको जितनी देर ज्यादा छोड़ेंगे उतनी बढ़िया साफ होगी। और जैसे थोड़ा सा शैंपू उस पे लगाना है तो फिर और इस ब्रश को इस पे लेप पे रगड़ना। पानी देखो जैसे जैसे ब्रश पे पे कर रहे हैं तो वैसे वैसे शाइनिंग आ रही है। ये पुरानी पाइपों को धोने का तरीका है। और अब इसको साफ पानी से साफ कर लीजिए। तो वही वापस जैसे कपड़े से पहुंच के और ड्रायर से सुखा के क्योंकि पाइप के अंदर घुंघरू में कहीं भी पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह सुखा के देखो कितनी साफ हो गई है। ये हमने जो पहले पाइल दिखाई थी देखो सेम दोनों एक जैसी बिल्कुल साफ, ठीक है भाइयों। और ये प्रोडक्ट है, फोन नंबर इस पे है। इस भाई को भी मंगवाना हो तो फोन कर सकता है और हम कोरियर द्वारा उसके पास भेज देंगे। इसकी कीमत 500 रुपए है और ये 10 किलो से लेके 15 किलो तक।